किया है और हम बहुत खुश हैं कि एक फीमेल राइडर जो है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का उन्होंने सफ़र किया है और ये आइकॉनिक घंटाघर है जहाँ पे इन्होंने कल्मिनेट किया है कश्मीर में आके। कल 3 बजे इनको लद्दाख में जाना है, लद्दाख जाना है, तो दैट मीन्स इनका पूरा सफ़र जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी मैम को, चित्रा मैडम को, जिन्होंने ये सफ़र अपने ऊपर लिया, और एक मैसेज देना चाहती हैं ये लोगों को कि अपने पेरेंट्स को कभी अबैंडन मत कर दीजिए। हमें मॉरली और सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जितना हम एडवांसमेंट देख रहे हैं सोसाइटी में, मटेरियल थिंग्स में, हमें इमोशनली और मॉरली भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। हर एक चीज़ को हमें साथ लेके चलना है। अपने पेरेंट्स जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारा सोर्स है, उनको हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मैं चित्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कश्मीर में। मैं चाहूँगी कि ऐसे ही बहुत सारी जो हमारी लड़कियाँ हैं, बहनें हैं, वो भी बाइक चलाना प्रेफर करें। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो फीमेल राइडर्स होती हैं वो बहुत कम जो है वायलेशंस करती हैं रूल्स का, तो ये देखा गया है। इसके साथ इन्होंने प्रॉपर गियर यूज़ किया है, हेलमेट यूज़ किया है, और आई एम श्योर इन्होंने ट्रैफिक रूल्स का पूरा पूरा पालन किया होगा। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर हियर इन कश्मीर। आई वेलकम यू एंड कंग्रेचुलेट यू ऑन द सेम। थैंक यू। Tell me about your journey. Yeah, okay. So my full name is Chitra Rao. So I'm from Karnataka. So I started my journey from Kanyakumari on 27th of August. मैं अभी यहाँ हूँ, अभी 15 days हुआ, और मैं एक कॉज के लिए जा रही हूँ सर। वो माँ बाप को आश्रम नहीं छोड़ना, माँ बाप को घर से बाहर नहीं जाना। सो एक कॉज के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं आया। इट्स अबाउट 4,000 plus kilometers, और मैं 8 states। सो टू बी ऑनेस्ट, बिफोर आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट यू नो टू विजिट कश्मीर, आई वॉज कंसर्न। बट देन वाइल आई वॉज कमिंग, द वे आई मीन कश्मीर पीपल आर वेरी वेरी प्यारी है सर। आई मीन द वे दे टॉक टू मी, द वे दे ऑफर मी वाटर, सो देन दैट परसेप्शन लिटरली चेंज। देर इज दिस कंसेप्शन दैट यू नो कश्मीर इज नॉट रियली सेफ प्लेस, और कश्मीर इज लाइक यू नो व्हाट यू कॉल you know like not really safe place to you know like food tourism and all of that. But here the whole my perception changed, because I don't think there's anything you know what do you call hindi mein bolta hai to aisa risky place nahi hai, problem wali jagah hai, problem wali nahi hai. Yahan logo bhi bahut pyare hai, people can actually come and visit Kashmir without any उमर सर भी मुझे वेलकम किया और बहुत मदद। सो व्हेन वी से सोलो राइडर, सो सेफ्टी इश्यूज लाइक अ वेरी मेजर थिंग। सो व्हेन इट कम्स टू कश्मीर ऑल्सो दैट्स अ मेजर थिंग। बट आई वुड लाइक टू से टू ऑल द सोलो राइडर्स और सोलो फीमेल राइडर्स हु आर इट इज, यू कैन एक्चुअली कम टू कश्मीर एंड यू कैन रोम अराउंड, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज safety is like utmost priority here, because if you see here you can find many police people, army people roaming around, so there is no you know threaten or something like that, so you can actually come and visit Kashmir. My prior plan was to visit few colleges, so I'll see what I can do now, because it's almost 1 o'clock now and have to ride to Ladakh also. If I get an opportunity to visit few colleges where I can have a student impression kind of thing, then I'll definitely do that. वीर बहादुरों ने जो अपनी जान का बलिदान देते हुए एक बार फिर हम सबको ये मैसेज दे दी कि हमें देश के हित के लिए हर एक लेवल पर अपने प्रयास जोड़ने होंगे। चित्रा राव जो बेंगलोर की रहने वाली एक महिला है, जिसने 27 अगस्त से अपना बाइक राइड स्टार्ट किया कश्मीर पहुंचने के लिए, कन्याकुमारी से स्टार्ट करते हुए 15 दिनों के एक छोटे से अरसे में चित्रा राव यहां कल 3 बजे पहुंच गई, और इसे फेलिसिटेट करने के लिए रोटरी इंटरनेशनल कश्मीर एलीट चैप्टर ने इन्हें आज सम्मानित किया।
स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, इन्हें और ज़्यादा सतर्क और पैशनेट होने के लिए इनको अप्रिशिएट किया, इन्हें अवार्ड किया। मैं हमारी देश भर की बेटियों से फिर एक बार कहना चाहूँगा कि चित्रा राव जैसी बच्चियों को चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपना मनोबल बढ़ाएँ, अपना स्ट्रॉन्ग विल पावर बढ़ाएँ और आने वाला कल जो इनका है वो बेहतरीन और खुशगवार है। आज देश की उन सारी बेटियों को चित्रा राव जैसे रोल मॉडल बनकर इन्हें एक मैसेज जा रही है। श्रीनगर के इस तारीखी घंटाघर से मैं उन सब बेटियों को कह देना चाहता हूँ कि आप न घबराएं, आप समझें कि आप ही हैं जो हमारे आने वाले कल का बेहतरीन मुस्तकबिल चुनने के लिए अपने कलम से, अपने हर एफर्ट से पूरे देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें फख्र महसूस करने में हमारा साथ रहेंगे। थैंक यू।